हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी सी टेट। आज हम ईवीएस के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिन्हें वीडियो पसंद आएगा वो लाइक करके यूट्यूब पर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांसा ब्रॉस के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसी ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉस का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉस की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो गाइस, गैस करिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो कास किस चीज़ का मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का, ठीक है, जिसे हम ब्रॉस भी कहते हैं। और आदिवासी लोग ब्रॉस का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, ग्रुप है? चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार। तो पहले बात तो हम इस ऑप्शन को करने सबसे पहले देखेंगे कि भाई हैजा जो होता है वो मक्खियों से फैलता है, तो इस ऑप्शन को हम बिल्कुल कट कर देंगे। और इसमें भी हैजा, ये भी मक्खियों से फैलता है, इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास बचे चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार और बचा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। भाई आपको सीधी से ये तो नॉर्मली सबको मालूम होगा कि डेंगू और मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, तो पहले वाले ऑप्शन में डेंगू नहीं है, हम इसलिए इसको कट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू और जो मलेरिया है ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। भाई सी टेट में आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार एक बात ये कहती हूँ, सही ऑप्शन को पिक करने से पहले आप गलत ऑप्शन को काटना सीख जाइए। ठीक है, तो जो डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है वो किससे फैलता है? मच्छरों से। ठीक, आगे चलते हैं। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो 110 दे रखा है हमें 110 को मल्टीप्लाई कर देना है 9.7 से। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.067 किलोमीटर। ठीक है, सारे लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। आगे चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। जो मधुमक्खी पालन होता है वो कहाँ होता है? भाई बिहार राज्य में। सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। और सबसे ज्यादा फूल जो है मधुमक्खियों कौन से लुभाते हैं? लीची के। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरहल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटे में होगी, कितनी होगी? भाई इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो आप सभी लोग सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम घंटे निकालेंगे, तो जो हमारे पास घंटे आएंगे वो 47.5 आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे हम, 2649 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 55.76 किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 55.76 किलोमीटर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब 0.5 से ज़्यादा कोई नंबर होता है तो हम आगे बढ़ा लेते हैं और 0.5 से कम होता है तो हम पीछे कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता है 55.49, तो हम ऑप्शन कौन सा लेते हैं? 55 वाला। लेकिन अब हमारे पास हो रहा है 55.76, तो अब हम ऑप्शन कौन सा लेंगे? 6 वाला। तो अप्रोक्सीमेट का जो आंसर आ जाएगा वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ए 1 2 3 किस में आएगा? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। जो खेजड़ी वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। एक तो आपको याद रखना है इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान एक मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक, अब ये फोर वाला जो पॉइंट है, पतला पाइप डाल के स्थानीय लोग पानी पीते हैं, तो वो कौन से पेड़ की विशेषता है? ओक की। किसकी है? ओक की। और ये ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, या मास्टरी लर्निंग। होमवर्क को किस पर डिपेंड होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजनाओं के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ठीक है, कौन सा है अप्रासंगिक, यानी सुटेबल नहीं है? ठीक, तो गैस करिए कौन सा ऑप्शन होगा। जो सूटेबल नहीं होगा वो होगा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। भाई आप किसी भ्रमण पर जा रहे हैं तो वहां पर बस्ते का कोई भी काम नहीं है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या का अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आस पास खोजने के अवसर प्रदान कराना। तो ये तो सभी ने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान कराना। भाई ईवीएस में आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं, खुद करने देना है बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करवाना, यानी प्रैक्टिकली वर्क होना चाहिए जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना हो, मतलब जुड़ा हुआ हो। आगे चलते हैं, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसा सीख रहे हैं। तो ये जो रखा गया है उसको ये पता करने के लिए रखा गया है कि बच्चे कैसा सीख रहे हैं। लिखा है ना हम क्या समझे, तो हम क्या समझे का मतलब यही होगा कि बच्चे बताएंगे वो कितना समझे और कितना नहीं समझे, तो उससे टीचर को पता चलेगा बच्चों ने कितना सीखा है। प्रगतिशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थी से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। तो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त 4 गतिविधियों में कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्टि करता है? तो क्या बच्चे जब खुद से मतलब चीजों को इकट्ठा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पनाओं की व्याख्या, संकल्पनाओं को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो सोचिए कौन सा होगा। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? हमें क्या करना है, निगेटिव वाला चुनना है, नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। भाई अगर
सारी चीजें भ्रमण पर ले जाकर नहीं करा सकते आप। अगर आपको हवा के बारे में पढ़ाना है, आप कहीं ले जाएं तो बच्चा उतना अच्छे से नहीं सीख सकता। आप हवा जैसे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बैलून लीजिए, उसमें हवा भर दीजिए, फिर उसकी हवा निकाल दीजिए, तो बच्चों को समझ में आएगा कि जो हवा है, एयर है, वो स्थान घेरती है। ठीक है, इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। और कहीं आप ले जाएंगे तो हवा को वो देख तो नहीं सकते ना, मतलब सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। इसके अलावा ये जो तीनों विधियां हैं ये पर्यावरण पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप पर्यावरण को लेक्चर दे करके बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उनको फिर वो ज्ञान याद नहीं रहेगा। भाई मतलब ऑडियो विजुअल एड्स की द्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री का हम जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और बच्चों को ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। जो ईवीएस है वो विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देंगे आप? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली वर्क पर। ठीक, बाकी ये तीन कैसे हो जाएंगे? कट। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंत में, नहीं प्रकरणों में, अंतः निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो अंत में नहीं करेंगे, पाठ के अंत में भी नहीं करेंगे, पुस्तक के अलावा वाला स्थानों पर नहीं करेंगे, प्रकरणों में अंतः निर्मित। अंतः निर्मित का मतलब होता है बीच बीच में। जैसे आपने एक को पैराग्राफ पढ़ा दिया तो आपने अक्सर देखा होगा बुक्स में छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, मतलब किसी भी कलर के, तो उसमें लिखा होता है यह भी देखें, इन शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, तो वो कहलाती है अंतः निर्मित। ठीक है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? वायु प्रदूषण पर पढ़ाना है भाई टीचर को, किस पर पढ़ाना? वायु प्रदूषण पर। तो कौन सा बेस्ट होगा? विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना, भाई पाठ्य पुस्तक तो जहां आ जाए उसको बिल्कुल कट कर देना, अगर वो नहीं है वाला पूछे तब आप बुक को लिखेंगे। ठीक है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इससे भी कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, कुछ नहीं होगा। बच्चा जब वो खुद से नमूने इकट्ठे करेगा, खुद से एक्टिविटी करेगा उसमें, तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। भाई जब एक बच्चा होगा तनावग्रस्त तो पूर्ण एकाग्रता तो वो नहीं बना पाएगा, पढ़ने में बहुत बातें भी नहीं करेगा, हाइपर एक्टिविटी भी, अति सक्रियता भी नहीं दिखाएगा, क्या करेगा? आक्रमण व्यवहार करेगा वो। आगे चलते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यित किया जा सकता है। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी जिससे आप कंफ्यूज हो, तो बस एक वही ऑप्शन को टिक करूंगी जो ठीक है। तो आप सोचिए कौन सा ऑप्शन ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। मैंने ये तीनों इसलिए नहीं पढ़े कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहीं पर कम, कहीं ज्यादा, कम ज्यादा। तो आपको ये याद रखना कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है?
बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचनाएं देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहर दुनिया से जोड़ना। भाई इसका ऑप्शन तो सभी को मालूम चल गया होगा कि बच्चों की जो शिक्षा है उसको हमें बाहर के जीवन से जोड़ना है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स गैस करिए कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। केवल आनंद उठाने के लिए नहीं जा रहे हैं आप भ्रमण पर। और भाई वहां से क्वेश्चन नोट करके लाएंगे तो आप पेरेंट्स से क्यों पूछेंगे? और चीजों के बारे में मतलब बिना कोई पूछे करे जा रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद यानी इंटरवल के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरणों को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सर रख कर सो जाएं। भाई ऐसा तो नहीं कहेंगे डेस्क पर सर रख के सो जाएं, बाहर मैदान में भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि भाई वो आए हैं इंटरवल से, तो कैसे रख के सो सकते हैं, खेल का तो पहले ही आ चुके हैं। और प्रकरण को तुरंत बदल देंगे ये भी नहीं करेंगे, भाई वो टॉपिक तो आपको पढ़ाना है ना जो सिलेबस में, आज नहीं सही तो कल, तो बदल नहीं सकते। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री का उस उपयोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन्हें पसंद आए वो कमेंट्स भी करें। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या फिर मिस्र? कहाँ से लाया गया था भाई? यूरोप से। उसे चुनिए जो दूसरों से भिन्न है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोयला। कौन सा भिन्न है? कोयला। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम था भाई, क्या नाम था उसका? दक्षिणी अफ्रीका। मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिणी अफ्रीका से। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर। कौन सा है? भूमिगत जल स्तर। भाई जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और जिन्हें नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासित करते हैं, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, मनुष्य दोनों का नहीं करता, इसलिए पहला गलत हो गया, वो दूसरा गलत हो गया। और पहले में भी दोनों थे, मनुष्य और पौधे दोनों करते हैं, जब भाई मनुष्य नहीं करता है तो इसमें भी मनुष्य नहीं करेगा, तो इस कौन सा है? सी। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी, मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। क्या होगा? कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। भाई उसे बिल्कुल रियल लाइव आप दिखाएंगे उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित है? पारंपरिक फसलों को उगा जाना, धान और गन्ने के उगने का क्षेत्र बढ़ जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाई प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाना है हमें भूमिगत जल, तो हमें किसका यूज करना होगा? कुओं का। ठीक, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो उससे जरूर जुड़ जाएं टेलीग्राम से, क्योंकि डेली 5 बजे क्यूज होता है वहां पर,
सारे लोग मिलकर आंसर देते हैं, तो भाई जो लोग इच्छा रखते हैं क्यूज करने की वो ऐड हो जाए। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। सोचिए कौन सा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। भाई देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, मेंढक एक टिड्डे को खाता है। भाई मेंढक ने टिड्डे को खाया तो टिड्डे ने भी कुछ खाया होगा उससे पहले, उससे पहले उसने क्या खाया होगा, उसने घास खाई होगी। भाई टिड्डा मीट और फ्लैश तो खाता नहीं है, क्या खाता है वो, घास। टिड्डे ने घास को खाया इसलिए वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उस टिड्डे को मेंढक ने खा लिया तो मेंढक क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण। और जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है वो उससे घास सब्जियां वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद में उन सब्जियों को कौन से लोग खाते हैं, शाकाहारी, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उन शाकाहारियों को खाने वाले क्या हो जाएंगे, जो मतलब वो फिर उन शाकाहारियों को, जैसे मेंढक ने टिड्डे को खाया तो वो कौन से स्टेप पर आ गया, सेकंड स्टेप पर आ गया, ठीक इस तरीके। तो और जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में जब जाता है तो वो केवल 10% होता है। जैसे मान लीजिए टिड्डे में 100 ऊर्जा थी, ठीक है, तो जब वो मेंढक ने खाया उसको तो मेंढक को कितना मिला, सिर्फ 10% मिलेगा उस ऊर्जा का। तो जो 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% होता है। और ये किसने बताया था, लिंडेमैन ने, किसने बताया था, लिंडेमैन ने। आगे चलते हैं, निम्न में से रोगों और उनके घरेलू उपचार का सही विकल्प चुनिए, कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आंख की सूजन, दांत का दर्द। अब दूसरी साइड लिखा हुआ है, ताजे धनिए के बीजों से, हल्दी के चूर्ण से, मेथी के बीज की चाय से, हींग का चूर्ण से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी वालों को इधर वालों से मिलाना है, 1, 2, 3, 4 वाले से, ठीक है। तो क्या होगा, पहला वाला ताजे धनिए के बीज जो है वो किससे मिलाए जाएंगे, आंखों की सूजन से। भाई आंखों में अगर सूजन है तो ताजे धनिए के बीजों से कम हो जाती है। फिर उसके बाद बी है हल्दी के चूर्ण से, तो हल्दी का चूर्ण किस पे लगाया जाता है, कटे हुए घावों पर। ये तो सभी को मालूम होगा। भाई इसको हम सॉल्व करने के लिए ये भी कर सकते थे, जो पॉइंट आपको पहले मालूम है आप उन्हें पहले मिला लीजिए, जो बचे तो फिर बाद में मिल जाएंगे, इससे ईजी पड़ जाता है। और मेथी के बीज की चाय से क्या होगा, सामान्य ज्वर, और हींग के चूर्ण से दांत का दर्द। अब जैसे आपको मालूम है कटे हुए घाव पे हल्दी लगती है, तो सभी मिला लेते हैं, बी वाला 1 से, फिर डी वाला 4 से मिला लेते, फिर हमारे पास 2 बचते, तो आंखों की सूजन और सामान्य ज्वर। जो आंखों की सूजन होगी तो वो आंखों की सूजन में भाई चाय तो लगा ही नहीं जाएगी, कॉमन सेंस आप इतना लगा सकते थे, तो ये ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ढूंढना सीखिए, जो आपको आ रहा है पहले आप उसको टिक कर लीजिए, फिर अपना कॉमन सेंस लगाइए कि कौन सा क्या हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन को पिक करने से पहले आप गलत ऑप्शन को पिक करना सीखिए, सीटेट बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। और सीटेट को पास करने के लिए आप पेडागोजी, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर को आपको बहुत अच्छे से करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जो लोग एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं वो नोट्स उनको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए यदि आप रोज़ डेली क्विज करना चाहते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।